अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तलोका में क्या मसला है जो लोगों को ज़्यादातर तो नहीं कम पेश आता है कि पियोनीर जो अगर वो रिक्वेस्ट लगाते हैं पेमेंट की तो उनकी पेमेंट जो पेंडिंग में चली जाती है। अब ये देखें, यहाँ पे मैसेज आया है कि वी नीड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू प्रोसेस द फॉलोइंग पेमेंट। ठीक है, इनकी पेमेंट थी ये इतनी, तो इसमें क्या हुआ है कि पेमेंट सारी पेंडिंग में चली गई है। वो कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन करें तो हम आपकी पेमेंट जो है ना वो आपको भेजेंगे पियोनीर अकाउंट में। वो आगे पियोनीर में आपको चल के बताता हूँ। तो ये आपको ऐसी अगर मेल शो हो तो आपने क्या करना है, गो टू वेरीफिकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ से हम इसे ओपन इन क्रोम करेंगे, तो साइन इन पर क्लिक करते हैं। आपका जो भी अकाउंट हो जिसमें आपने पेमेंट मंगवाई है वो पेंडिंग में है, तो आपने क्या करना है कि उससे साइन इन कर लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए जी, ए ट्रांजेक्शन में आगे नीचे है लेटेस्ट और अपकमिंग। ये अपकमिंग में अगर हम चले जाते हैं तो वहाँ पे आ रहा है जी आपके 24.38 USD जो है वो पेंडिंग में चले गए हैं। तो इन्हें अब हमने लेटेस्ट यहाँ पे कैसे लाना है, ये वाली जो जगह है इसमें कैसे लाना है, आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और विड्रॉ ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है, नहीं सॉरी इस पे नहीं क्लिक करना, अकाउंट एक्टिविटी, और यहाँ पे क्लिक करना है आपने पेमेंट रिक्वेस्ट टेंथ, इस पे क्लिक कर दें। और उसके बाद आपके सामने एक ऐसा पेज अपेयर होगा, आपने क्या करना है रिक्वेस्ट अ पेमेंट पे क्लिक करना है और उन्हें एक रिक्वेस्ट भेजनी है। अब यहाँ पे ये देखें, अगर इसे हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो ये हमें बोलेगा, यहाँ पे इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं, हमें दर्ज ज़ैल में से दर्ज दस्तावेज़ात फराहम करें फिर अदायगियों की दरख्वास्त करना शुरू करें। हम ये दस्तावेज़ात क्यों मांग रहे हैं, तो नीचे बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो वो वेरिफिकेशन के लिए मांग रहे हैं। हमने क्या करना है कि इनमें से आपकी अगर कोई बिजनेस है वो प्रोफाइल सबमिट कर दें। वैसे तो ज़्यादातर गवर्नमेंट इशू फोटो आईडी कार्ड जो होता है ना वही सबमिट करते हैं लोग, और बैंक वेरिफिकेशन सबमिट, हमने सबको छोड़ देना है। हमने दरमियान वाला ऑप्शन जो है ना ये हमारे लिए ईजी है, तो हमने क्या करना है जी इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आगे ये वाला पेज अपेयर हो गया। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि फ्रॉम कहाँ से पेमेंट आई है, इंटर टैक्स सर्विस है जी, मतलब तो लोका से आई है। ट्रांजेक्शन आईडी वो बता रहा है, ठीक है, अमाउंट नीचे बता रहा है कि 24.38 USD है। आगे ये कह रहा है कि अपना फुल नेम दें, उसके अलावा जो है ना एक आईडी कार्ड की दो फोटो जो है वो अपलोड करें। तो हम यहाँ पे जो है ना वो अपलोड करते हैं। मैं यहाँ पे पहले नेशनल आईडी जो है ना वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं ऐड फाइल पे क्लिक करूँगा, फाइल में जाते हैं, फाइल में जाते हैं जी, तो जाएंगे आगे, यहाँ से आपने दो फाइल जो है वो बना लेनी है, पिक्चर्स या आपने क्या करनी है बना के रख लेनी है, तो वो आपने भेजनी होती है। ठीक है, मैं फर्स्ट वाली अपलोड हो गई है, सेकंड वाली मैं ब्राउज़ करके इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मेरी पड़ी हुई है। तो ये सेकंड जो है वो भी मैंने अपलोड कर दिया और उसके बाद सबमिट करता हूँ, देखते हैं जी। तो ये देखें सबमिट हो गई है। उसके बाद ये क्या करेंगे कि हमारी जो ये आईडी कार्ड है इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, करके उसके बाद यहाँ से हमारी जो पेमेंट है, यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से अपकमिंग जो पेमेंट है वो हमारी इसमें भेज देंगे, क्या कहते हैं, होम में आते हैं फिर से।
अपकमिंग जो है ना इसमें वो भेज देंगे लेटेस्ट में, और उसके बाद यहाँ पे हमारे बैलेंस में इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद टास्क के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं या हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।